नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 74वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर का मुख्य तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये साल जम्मू कश्मीर की नई विकास यात्रा का साल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ ही पीएम ने लेह लद्दाख कश्मीर क्षेत्र में विकास के मॉडल का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, ये एक साल जम्मू कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का साल है। एक साल जम्मू कश्मीर में महिलाओं दलितों को मिले अधिकारों का साल है। ये जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल है। लोकतंत्र की सच्ची ताकत स्थानीय इकाइयों में है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशील के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है। हम सभी सोचते हैं कि जल्दी से ये प्रक्रिया पूरी हो, जिसके बाद जल्दी से चुनाव हो, विधायक और मंत्री भी जम्मू कश्मीर क्षेत्र से चुनकर आए। बीते वर्ष लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहाँ के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख आज विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से सिक्किम ने ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में अपनी पहचान बनाई है, वैसे ही आने वाले दिनों में लद्दाख और लेह का क्षेत्र अपनी पहचान एक कार्बन न्यूट्रल इकाई के तौर पर बनाए। इस दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। यह आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल होगा। गौरतलब है कि पिछले साल 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 के अनुच्छेदों को हटाया गया था। इससे पहले पीएम ने कहा, हमारे देश में अलग अलग जगह पर विकास की तस्वीर अलग अलग दिखती है। कुछ क्षेत्र बहुत आगे है, कुछ क्षेत्र बहुत पीछे, कुछ जिले बहुत आगे हैं, कुछ जिले बहुत पीछे। ये असंतुलित विकास आत्मनिर्भरता भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।